नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और Lallantop की चुनाव यात्रा फिलहाल बैतूल में है, बैतूल के सारनी में, जिसके बारे में हमें यह बताया गया कि सारे शहर ग्रो कर रहे हैं, विकास की बात हो रही है। सारनी एक ऐसा शहर है जो सिकुड़ रहा है। हाल के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस वर्कशॉप की जो फेसबुक की तरफ से हम जा करके अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरह के टारगेट ग्रुप्स के साथ कर रहे हैं। हम लोग फिलहाल द मौर्यन एडुकेशन कैंपस में हैं और इसी कैंपस में DH कंप्यूटर्स भी काम करता है। और जो लोग इस तरफ अभी आपको दिखेंगे, जेरी जी पैन कर दीजिए, इनसे हम क्यों मिलने आए हैं, इनकी एक वजह मैं बता दूं, ये आपका और दुनिया का परिचय है। बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं हमारे स्टेट में, मध्य प्रदेश में, बैतूल भी छोटा ही है, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, इसके बाद इनसे छोटे शहरों की बारी आती है। जैसे एक उस छिंदवाड़ा में भी और छोटा शहर है सौसर, जिससे मैं आता हूँ, ठीक है, बैतूल में भी और छोटा शहर है सारनी, जिससे आप आते हैं, फिर सारनी से भी और छोटे शहर हैं, जहाँ से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के हम पहुँचना चाहते हैं होराइजन तक के, फलक तक के। और उसकी एक सीढ़ी, अब हम मानने को तैयार हो या ना हो, अंग्रेजी है। एक मत यह है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी, कंप्यूटर एडुकेशन आपको लेना पड़ेगा, नहीं है तो चारा नहीं है। तो अंग्रेज़ी और कंप्यूटर को सीढ़ी बना के जितने लोग यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे हम आज मुखातिब हैं, और इस एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के साथ हम आज की वर्कशॉप करने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे अलावा आप लोग भी बोल सकते हैं इंट्रो के बाद। इस वर्कशॉप में हम लोग बेसिकली वही करेंगे जो आप पढ़ रहे होंगे। आप लोग अंग्रेज़ी के छात्र हैं लेकिन इतनी हिंदी आती होगी कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत खबर भेजने का क्या असर होता है, और मैसेज भेजते समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। सर प्लीज़ फ्लिप कर दीजिए स्लाइड, अगली स्लाइड कर दीजिए, इस ये सांकेतिक फ़ोटो है, अगली स्लाइड। कितने लोगों को पता था कि सांकेतिक फ़ोटो क्या होती है? मैं बोल गया, आपका नाम? सांकेतिक फोटो क्या होता है? सांकेतिक जिसके सहायता से बताया, यानी संकेत हमको सूचित किया जाए कि इस तरह से, क्या बोलूं? मोर और लेस जो हिना ने बताया वही है कि जिसके इस मतलब उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है लेकिन उससे एक संकेत कर दिया जाता है, क्या गिरा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सांकेतिक फोटो का मतलब वो आप ये कहिए कि दिखाने का दांत है, इसलिए हम उस साइड पर रुके नहीं। हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, पहले सच, राय और अफवाह। कितने लोग यहाँ जानते हैं कि सच क्या होता है? आप बताएंगे। सर आपका नाम? प्रियांशु, सच क्या होता है? सच वो होता है जिससे जो हम सही कहते हैं। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, जो ये कह रहे हैं जो हम सही कहते हैं। और कोई जो सच में जोड़ना चाहता है, सच क्या होता है? आपके पास लौटते हैं कोई? सर अच्छा आप बताएंगे, तो माइक ले जा दो वहाँ तक। मींस जो रियलिटी होती है एंड जिस पे सब बिलीव करते हैं वो सच होते हैं। सही कह रहे हैं, फिर भी इसको और आसान बना सकते हैं। सच एक ऐसी चीज़ होती है जिसका प्रूफ दिया जा सकता है, जिसका सबूत दिया जा सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी 8 ही हैं, तो इसका सबूत दिया जा सकता है। मैं अपनी घड़ी आपको दिखा सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग DH कंप्यूटर्स में बैठे हैं, सबूत दिया जा सकता है, बाहर DH कंप्यूटर्स लिखा हुआ है। बेसिक, और कुछ सच नहीं होता है, अगर प्रूफ नहीं है तो वो सच नहीं होगा। दूसरी चीज़ है ओपिनियन, और उसके बाद है अफवाह, उसके हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेंगे। आगे चलें सर, दिल्ली उत्तर भारत में है, सच है? माइक यहाँ पे है, आप लोग वहाँ बैठे हैं, हाँ सुनाई नहीं आया, जोर से, पता कैसे चलेगा कि इतने लोग हैं यहाँ पे? सुनाई नहीं है, ये सच है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ
अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सारनी में शोर है? किसी को भी, कोई भी? अच्छा कोई ऐसा है जो सारनी के आसपास किसी गांव से है? यहाँ पे सब सारनी के लोकल्स हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सारनी में जहाँ पे प्लांट है सतपुड़ा थर्मल उसके पास खड़े हो तो क्या आपको सारनी शांत लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या ये कहना ठीक हुआ कि सारनी शांत है? क्योंकि सारनी में तो ऐसी जगह है जहाँ पे शोर है। इसका मतलब ये सब्जेक्टिव चीज़ है। दिल्ली में आप अगर सीपी पे खड़े रहेंगे, मार्केट प्लेस पे रहेंगे, वो जो गोल गोल सी बिल्डिंग दिखाते हैं टीवी पे, दिल्ली में अगर है वो सीपी है या और जगह है, तो वहाँ शोर सुनाई देगा। लेकिन दिल्ली में सारी ही जगहों पे शोर होता है, ये बात सही नहीं है। तो ये दिल्ली को लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली में शोर है, ये तथ्य नहीं है, इसका सबूत नहीं दिया जा सकता। दिया भी जा सकता है तो हर जगह नहीं दिया जा सकता है। जैसे सारनी हर जगह शोर से ग्रसित नहीं है, दिल्ली भी नहीं, ये ओपिनियन है या राय है, ठीक है? क्योंकि ये लोगों के हिसाब से बदल सकती है। अगर आप सारनी से दिल्ली जाएंगे तो आपको बड़ा शोर लगेगा, लेकिन आप दिल्ली से भी ज़्यादा शोर वाली किसी जगह से अगर वापस दिल्ली आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा शांत लगता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। मुंबई एक छोटा शहर, अगेन कितने लोगों को सारनी छोटा शहर लगता है? क्योंकि आप लोग सारनी से हैं। अगर आप किसी गांव से होते जहां 5 घर होते तो सारनी आपको बड़ा लगता, लेकिन अगर आप बैतूल के होते तो छोटा लगता। यानी सारनी छोटा शहर है बड़ा या मुंबई छोटा शहर है बड़ा, ये भी ओपिनियन है, राय है, ठीक है? आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका, ठीक है। अंशिका, अंशिका एक बार खड़ी होंगी आप जहाँ भी हैं, ठीक है? अंशिका की हाइट ये है, ठीक। अगर अंशिका के यहाँ तक के कोई बच्चा है उसके लिए अंशिका ऊँची है, अगर यहाँ है तो छोटी है। अब आपके छोटे या ऊंचा कहने से क्या अंशिका की हाइट चेंज हो जाती है? इसका मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो राय है, बदलती रह सकती है, और ज़रूरी नहीं है सही हो। बैठ जाइए प्लीज़। अगली स्लाइड। तो क्या हम समझे कि राय क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोगों के अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं। ये क्या है? ये कितने लोगों के लिए ये सच है, कितने लोगों के लिए ये राय है? क्या है आपका नाम? क्या है? पूजा। पूजा, थोड़ा जोर से बोलो। पूजा। पूजा, ये अफवाह है। ये अफवाह क्यों है सर? अभी तक ऐसी क्यों न्यूज़ नहीं मिली है जिससे ऐसा लगे कि ये एग्जैक्टली अभी तक के हम नहीं जानते हैं कि सरकार ने क्या ऐसा कोई भी कार्यक्रम बनाया है। भाई अभी इतना बड़ा शहर है उसका नाम चेंज करेंगे? जैसे सर बैठे हैं आपका नाम चेंज करेंगे तो अखबार में छपेगा ना? नहीं छपेगा, लेकिन मुंबई का छपेगा। तो अगर मुंबई के नाम बदलने की बात आती है और अगर उसका कोई सबूत नहीं है तो वो आप लोगों के लिए अफवाह है जब तक कि उसका सबूत नहीं मिल जाता है। ये बेसिक। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। और अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। कितने लोगों ने ये फोटो देखी थी इससे पहले? कोई बात नहीं सर, अगली स्लाइड पे चलते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि ये क्या है? नोट है, ठीक है। कौन सा नोट है ये? कौन सा है? 2000 का नोट है। अच्छा, नोटबंदी के टाइम आप थे? यस। क्या आप लोगों ने ये सुना था कि इस नोट में चिप लगी है? हाँ सुना था। चिप थी? नहीं नहीं थी। तो ये भी एक अफवाह थी जो नोट लॉन्च होने के समय फैल गई थी। नोट कागज का ही था, उसमें कोई बैटरी नहीं लगी थी, कोई चिप नहीं थी, वो बैंक से वैसे ही इशू होता है जैसा होता रहा था। अफवाह। अच्छा सारनी में कभी कोई अफवाह फैली है इससे पहले? आपका नाम? सोनम। हाँ जी सोनम। क्या अफवाह फैली है सारनी में? सर बहुत सी, 2-3 बार। एक बार हुआ था कुछ बाल बाल को लेकर कि चोटी काट लेते करके, बहुत शायद आपकी भी कटी थी? नहीं सर, तो देख लीजिए, मतलब अफवाह फैली थी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर।
सारी जगह पे आ गए थे, बहुत डर भी गए थे लोग, सब बाल बांध बांध कर सोते थे। सारनी में भी अफवाह फैली थी चोटी काटने की, तो इसका मतलब आप लोग एक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया है कि सच राय और अफवाह क्या होता है ना। तो ज़्यादा समय खर्च के अगली स्लाइड पे चलते हैं सर, और अगली स्लाइड पे चलते हैं, खाली स्लाइड है आराम लेने के लिए, पानी पीने के लिए है स्लाइड। और आगे चलिए सर, और आगे चलिए सर, ठीक है। तो हम समझ गए ये सच झूठ राय अफवाह। झूठ मैंने बताया नहीं, लेकिन झूठ तो बेसिक है। अगर सच मैं कह रहा हूँ कि जिसका सबूत है तो झूठ वो हुआ जिसका सबूत नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा नाम पंकज नहीं है, आगे चलते हैं सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कितने लोगों का झगड़ा हुआ है, किसी का भी, किसी का भी, आपका तो हुआ ही होगा सर। हाँ आप ये मेरे, मैं नाम बोल रहा हूँ आपका, आप नाम क्या? सुमित पवार। सुमित, आपका झगड़ा हुआ है कभी? बहुत बार। आपने क्या किया था फिर जिसने आपसे पंगा लिया था? फाइटिंग, क्योंकि आप आमने सामने थे। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, जब कोई, जब आप किसी को मार रहे होते हो या कुछ बोल रहे होते हो उसमें, और अगर किसी को फ़ोन पे कुछ बोल रहे होते हो उसमें फ़र्क होता है? क्या फर्क है? अगर कोई हमारे सामने होता है तो यानी कि हम यानी अपना गुस्सा उतार सकते हैं उसके ऊपर, बट अगर सामने नहीं होता तो वो नहीं उतार सकते। हाँ, और क्योंकि, लेकिन एक और चीज़ है इसमें, जब हम सामने होता है तो हाथ उठाने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले, मैं पीछे आता हूँ तो सामने बात शुरू हो जाती है। एनीवेज, जब हम किसी के सामने होते हैं तो ये दिक्कत होती, तो ये होता है कि हम बोलने से पहले या हाथ उठाने से पहले या कुछ भी करने से पहले सोचते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूँ आपके, तो अभी आपकी जो राय है या ओपिनियन है या सच भी अगर आपको कुछ लगता हो कि इसको चश्मे और हेयर स्टाइल के अलावा कुछ बदलना चाहिए, आप बोलने से थोड़ा झिझकेंगे? थोड़ा तो है ना, बहुत झिझकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में, मतलब ये एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास में नंबर निकला है मेरा या फेसबुक की आईडी हो तो वहाँ तो लिखना आसान है। इसका मतलब हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहेवियर अलग अलग होता है। हम जो ज़िंदगी फेसबुक पे जीते हैं या व्हाट्सएप पे जीते हैं या ट्विटर पे जीते हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं यहाँ पे? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई जान के। हाँ सर, क्या? अच्छा उधर, और कौन चलाता है इंस्टाग्राम? आप चलाते हैं और इंस्टाग्राम आप भी चलाते हैं, ठीक बात है। मैं बोल क्या रहा था? हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो इंस्टाग्राम पे जैसे हम नजर आते हैं वैसे हम असल जिंदगी में नहीं होते हैं, है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन बिहेवियर का फर्क। अब ये क्यों होता है, कोई भी जो बताना चाहे, कोई भी नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिहेवियर में फ़र्क का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें कॉन्सिक्वेंस का मतलब लगभग लोग जानते हैं, नहीं, नतीजा, उसका डर नहीं होता है या कम होता है। सामने मेरे कोई खड़ा है, मैं उससे झगड़ रहा हूँ, मैंने झापड़ मार, वो भी मार सकता है। लेकिन अगर आपने फ़ोन पे किसी को कुछ कह दिया वो क्या करेगा? ज़्यादा आपको कॉल बैक करेगा, आप उठाओ मत, आप मैसेजेस करो, आप वो मैसेज करेगा, आप रिप्लाई मत करो। हाँ, तो आपके पास में अलग अलग तरीके होते हैं उससे खुद को शील्ड करने के, इसलिए ऑनलाइन बिहेवियर हमेशा ऑफलाइन बिहेवियर से अलग होता है। और इसको पाटने का तरीका सिर्फ एक है और ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन बिहेवियर, मतलब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे भी किसी से जब बात करें, किसी से जब बात कोई कहें, तो ऐसे ही कहें कि अगर ये आदमी मेरे सामने खड़ा होता तो क्या मैंने इसे ये बात बोली होती। क्यों? एक वजह तो समझदारी वाली, क्योंकि मैं वर्कशॉप में बता रहा हूँ। दूसरी, जो वर्कशॉप का स्टैंडर्ड हिस्सा नहीं है लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर ज़रूर बताता हूँ, ये अगर आप किसी का मुँह तोड़ दें तो क्या होगा?
हाँ जी नहीं मतलब अगर बेवजह हम किसी को मारते हैं तो वो भी तो कुछ सोच के हो सकता है हमको डर है कि कल को हमें भी पड़ सकती है मतलब पुलिस में रिपोर्ट होगी हो सकती है पुलिस में रिपोर्ट हो ही सकती है उसके बाद धारा चलेगी उसके बाद अगर आप 18 प्लस हुए तो जेल जाएंगे नहीं तो बाल सुधार गृह जाएंगे बच्चों की जेल ये होगा लेकिन अभी हमें फेसबुक चलाते हुए या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हुए ये डर नहीं लगता है जो जी में आता है भेजते हैं भेजते ही हैं जिन लोगों ने नहीं बोला है वो भी भेजते हैं ठीक है इसलिए आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से जब आप आमने सामने की लड़ाई में किसी को कुछ कहते हैं किसी को कुछ करते हैं और उसके लिए धाराएं हैं उसके लिए कानून है वैसी आईटी एक्ट है जो आपके ऑनलाइन बिहेवियर का लेखा जोखा रखता है अगर आप वहां पे हिंसा फैलाते हैं अगर आप वहां पे ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो इसको साइलेंट करना पड़ेगा जो किसी का नुकसान करती हो तो आपके ऊपर उसी तरह पुलिस कार्रवाई हो सकती है जैसे ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन बिहेवियर की वजह से होती है ऑफलाइन ऑनलाइन में कन्फ्यूजन तो नहीं है ऑनलाइन का मतलब जो फेसबुक व्हाट्सएप पे हम करते हैं ऑफलाइन का मतलब आमने सामने ये ऑफलाइन बातचीत है जब यूट्यूब पे जाएगी तो ऑनलाइन हो जाएगी आप सुन सकेंगे आगे चलते हैं सर ये तब बता दिया मैंने है ना समझदारी सहानुभूति दयावान विचारशीलता ये मैं बता के आपको नहीं समझा सकता हूँ इसीलिए मैंने जो पहले बात बोली थी वो सबसे मार्के की है कि ये इमेजिन कीजिए कि जिस भी इंसान के लिए मैं व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहा हूँ फेसबुक पे कुछ लिख रहा हूँ ऐसे करूँ कि वो मेरे सामने होता तो मैंने किया होता क्या और उसमें ये सब आ जाएगा समझदारी आ ही जाएगी है ना समझदार हो गए तो भाई नहीं करोगे ऐसी कोई चीज़ जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो नतीजा हो सहानुभूति रहेगी उसका रिएक्शन देख रहे हैं दया भी आ ही जाएगी अगर मेरे जैसा भूखा अगर सुबह से वर्कशॉप कर रहा होगा तो थोड़ा शांत बैठोगे विचारशीलता विचार कर करके करेंगे अब ये बोलने से नहीं होता है लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना अगली स्लाइड पे चलते हैं सर ये सांकेतिक फोटो है अगली स्लाइड पे चलते हैं सर नजरिया अगली स्लाइड पे चलते हैं सर कितने लोगों के लिए अच्छा ये क्या है पक्षी और कोई भी क्या है आपका नाम रानी हाँ जी रानी रानी ये क्या है रानी पक्षी है और कोई क्या है ये दोस्त आपका नाम रेहान ये क्या है बर्ड है और कोई हाँ जी आप सर अबर्ड हुई स्विमिंग ये सबसे मेधावी छात्र देखो ऐसा होता है अबर्ड हुई स्विमिंग यार बर्ड हाँ डक ठीक है हाँ फिर उस हिसाब से सही है तो इसलिए मैंने मेधावी कहा भी था आपको सर अरे नहीं मैं बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा उनको कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि जब बैक बेंचर्स मस्ती करते हैं और मेरे जैसे लोग जो आते हैं वर्कशॉप के लिए वो लोग उनको लगातार पिंच करते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि यार उसका मजाक बन रहा है लेकिन मैं बताऊं आपसे ज़्यादा वो लेके जाएगा इस वर्कशॉप से क्योंकि मुर्दू सोने का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है तो अगर आप न्यूसेंस भी हैं अगर तो वो पार्टिसिपेशन में ही गिना जाएगा इसलिए जवाब दीजिए जवाब लीजिए सवाल पूछिए इंटरैक्ट कीजिए है ना थैंक यू अगली स्लाइड पे चलते हैं सर कितने लोगों को एक खरगोश लगा था अच्छा इस तरफ से ये स्टैंडी के सामने आ रहा है क्या ये इसको इस तरफ से देखो ये कान है ये मुंह है आंख अब लग रहा है अच्छा तो क्या हमने ये फोटो चेंज की नहीं की वही नजरिया अलग अलग है यही चीज मैं समझाना चाह रहा उसकी ज्योमेट्री को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है ठीक है एक ही तस्वीर बत्तख है एक ही तस्वीर खरगोश है इसीलिए ऑनलाइन स्पेस पे आपको एक ही जो चीज नजर आए उसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं कोई सही नहीं कोई गलत नहीं उसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं सर
ये क्या है? ये तस्वीर तो है ही, और क्या है? शैडो है, और क्या है? किन से? मैडम आपका नाम क्या है? संजना। आप इतने धीरे बोलेंगे तो वह सुनाई नहीं आएगा। संजना। अच्छा, आपके पास भी आता हूँ। ये क्या है? तस्वीर। तस्वीर में क्या? तस्वीर तो है, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा, कौन बताना चाहता है कि उस तस्वीर में? मुझे पता है, आपको पता है। हाँ, सॉरी, एक मिरर है उसके सामने। थोड़ा सा और आप, अगर क्योंकि माइक से आप बहुत दूर हैं। एक मिरर है उसके सामने। ठीक है, एक मिरर है इसके सामने, कोई खड़ा है। ठीक है, ये मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करके आया हूँ, पहली बार मुझे ये सुनने को मिला है। अच्छा है, और कोई? उधर उधर माइक पहुंचा दो, बीच वाले भाई साहब के पास। मुझे भी ऐसी लग रहा कि ये क्या? हाँ, मिरर था। और कोई जिसको मिरर के अलावा अगर किसी को कुछ लग रहा हो तो बताओ, जल्दी आगे चलें फिर। हाँ, मिरर के अलावा कुछ भी लगता हो आपको अगर? हाँ, अच्छा, ये अलग अलग दो लोग हो सकते हैं? बोला क्यों नहीं फिर? मिरर वो ठीक है, उन्होंने बताया। ये पहली बार किसी ने अभी तक की वर्कशॉप्स में जितनी मैंने किए मिरर वाला बात कही, और अब मुझे देखने के बाद लग रहा है कि हाँ, ये मिरर भी हो सकता है, और वो सही है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये लड़का है, ये लड़की है? अच्छा, कित मतलब ऐसा वेग पॉसिबिलिटी, क्या ये लड़का लड़की हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये मिरर वाले हो सकता है कि बीच में आईना रखा हो? एक कम से कम एक व्यक्ति को सकता है। हाँ, हो सकता है। कितने लोगों के हिसाब से ये लड़का लड़का हो सकते हैं? नहीं। कितने लोगों के हिसाब से लड़की लड़की हो सकते हैं? अच्छा, अब विषयांतर जिसको कहते हैं, ये टॉपिक, ये फेसबुक की डिफॉल्ट जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं हर जगह इस चीज़ को ज़रूर कवर करता हूँ। इनसे की थी आप, मैडम आपका नाम? आजमीन नाज। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये लड़का लड़का हो सकते हैं? नहीं। क्या ये लड़की लड़की हो सकते हैं? ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, उसको देख के लग रहा है इस साइड लड़की है, उस साइड लड़का है। अच्छा, ठीक है, अभी ज्योमेट्री पे ही है बात, लेट भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं। कितने लोगों को ऐसा लगता, अगर मैं जोर देके कहूं कि ये दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, कितने लोगों को ये बात सुनने में अजीब लगती है? चलिए फिर आप मतलब अब तक का सबसे, हाँ, खिड़कियां भी हो सक, अभी जाएंगे वहां तो। सब ये सबसे इनलाइटेड क्राउड है, ये बात मैं जहां जहां वर्कशॉप्स में जाता हूँ ये जरूर कहता हूँ। दरअसल मैंने अब तक जितनी वर्कशॉप्स किए हैं, ज़्यादातर लोगों का जोर रहा है कि या तो ये लड़का है या तो ये लड़का है, या तो ये लड़की है या तो ये लड़की है, लेकिन लोग इस बात को लेके कंफर्टेबल नहीं है कि ये दोनों लड़कियां हो जाएं या दोनों लड़के हो जाएं। आपने ये, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तक के सारणी पहली जगह है जहाँ पर इस चीज़ का स्वागत किया गया, वरना लोग बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं सुनने में। अनकम्फर्टेबल का मतलब सब लोग जानते हैं यहाँ पे, कि एक लड़का और लड़का दोस्त हो, एक लड़की और लड़की दोस्त हो, कौन सा दोस्त बोल रहा हूं आप जानते हैं। ये फेसबुक ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की भी पसंद साथी की सही या गलत के दायरे में नहीं आती है। अगर आपने ये बात पहले नहीं सुनी थी तो आज सुनिए, आज सुन के अजीब लगती है तो इसको रिमिनेट कीजिए। जैसे गाय होती है, गाय जुगाली कैसे करती है? बेसिक वो ये करती है कि एक बार खाती है, फिर वो बाहर निकालती है, फिर चबाती है, फिर खाती है। तो इस बात की जुगाली कीजिएगा कि किसी की भी साथी की पसंद सही या गलत नहीं होती, तो उसके लिए उसे जज ना किया जाए। आपको पसंद है लड़का साथी, आप कीजिए उससे प्यार। आपको पसंद है लड़की साथी, आप कीजिए उससे प्यार। दोनों नहीं पसंद है और कुछ है आपका, वो कीजिए।
ये यही जो अभी का रिएक्शन था ना, ओ इसी डिस्कम्फर्ट को डिफीट हम करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम जो आज जहाँ पे हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, सारणी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी एक सीढ़ी ये भी है कि वो स्किल्स तो हम सीखें जो हमको नौकरी दिलाने में काम आए, साथ साथ वो स्किल्स भी सीखें जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए। लौटते हैं फेसबुक पे, सर अगली स्लाइड पे चलते हैं। कितने लोगों को ये फूलदान लगा था? आपने बोला नहीं था पर लगा था। दोबारा वही बात, ज्योग्राफी, दोबारा वही बात, ज्योमेट्री इस चीज़ की वही है। ये फूलदान भी हो सकता है, ये मिरर इमेज भी हो सकती है, ये लड़का लड़की हो सकते हैं, लड़का लड़का हो सकते हैं, लड़की लड़की हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नज़रिया है, कोई सही कोई गलत नहीं, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं सर। सांकेतिक फोटो, अगली स्लाइड पर चलते हैं सर। अगली फोटो, अगली स्लाइड पर चलते हैं सर। अगली स्लाइड पर चलते हैं सर। सुने और आदर करें। अच्छा ये दोनों क्या हैं? क्या एक मैं पहुंचता हूँ ना, मेरी मेरा ही मेरा बोलना वाला। आपका नाम क्या है? भावना मानकर। अच्छा यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो दोपहर का खाना मना है जिनके सारनी में? तो आवाज क्यों नहीं निकालते हैं आप लोग? नाम क्या है? जी भावना मानकर। अच्छा आपको लेफ्ट वाला क्या लगता है? चूजा है वो। चूजा, राइट वाला वो चूजे का छोटा मतलब गर्ल्स वाला। गर्ल्स वाला वो। अरे यार ये भी जितनी मैंने वर्कशॉप्स किए उसमें दूसरा नायाब उदाहरण, एक चूजा और दूसरा गर्ल्स वाला चूजा, ठीक। अच्छा है ये नई चीज है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है आइडिया ये था इस पिक्चर का कि ये अलग दिखता है, ये अलग दिखता है, लेकिन है दोनों चूजे, तो खाते हो तो दोनों को खाइए और पालते हो तो दोनों को पालिए, उन दोनों में फर्क मत कीजिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। सुने और आदर, उसका मतलब यही होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। और अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। हमने अब तक के क्या क्या सीखा है उसकी एक सूची है। हमने सीखा सच झूठ राय और अफवाह में अंतर। किसी को कोई अभी शुभा हो तो पूछे दोबारा, सच में कह रहा हूँ क्योंकि मेरा तो जा ही रहा है टाइम, आपका भी जा रहा है, आप कितना सीख के ले जाएंगे आपके हाथ में है। क्या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, दूसरों का नज़रिया समझे, बहुत नज़रिया समझा हमने आज तो, ठीक है। सबका अपना अनुवाद हो सकता है, ये तो है ही। सोचो कि आपके मैसेज से दूसरे को क्या लगेगा, ठीक है। किया डिस्कस हमने विचारशील और संवेदनशील, कि कोई ऐसा है जिनको विचारशील और संवेदनशील का मतलब ना पता हो? तो मैं बताऊं, विचारशील मतलब सोच के काम करना, संवेदनशील मतलब फीलिंग्स रखना अपने अंदर किसी दूसरे की फीलिंग्स के प्रति, ठीक है। और नीचे का तो वही है जो मैं बार बार बोले जा रहा हूं। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। बात की है हमने, अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। अब तक की ये जो सावधानियां थी ये फेसबुक पे हम कैसे व्यवहार करें उसके बारे में थी, अब जो ज्यादा सीरियस चीज है उसके बारे में बात करेंगे, फेक न्यूज, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। झूठी खबर को कैसे पहचाने, अगली स्लाइड। अच्छा सारनी में किसी को कोई बड़ी घटना याद है, कोई बड़ी घटना? हाँ उन तक माइक पहुंचा दीजिए और फिर आप नाम बताइएगा और बताइएगा आप क्या करेंगे। पूनम पवार। अच्छा क्या बड़ी घटना हुई थी? अभी पाताखेड़ा में जो स्कूल है ना, बागिनकुंड स्कूल, वहाँ पे अचानक ही वो धस गया था नीचे, जमीन ही धस गई थी नीचे। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अब ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि आपका माइंस वाला एरिया है, डब्ल्यू सेल है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, क्योंकि आपके यहाँ डब्ल्यू सेल है, क्योंकि आपके यहाँ कोयला निकलता है जमीन से, तो ये चीज़ थोड़ी सी आम है, आपने सुना होगा पढ़ा होगा। लेकिन जो लोग इस एरिया से नहीं है, जिन लोगों ने कभी खदान वाले एरिया नहीं देखा है, उनको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा।
तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हों जो आपको सुनने में अजीब लगें, ठीक है, जिनको सुनकर एक बार में भरोसा नहीं होता है, उन्हें लेकर के हमें सतर्क रहना है। कैसे, आगे बताते हैं। सर अगली स्लाइड। इसका सबसे तगड़ा हथियार होता है URL। कितने लोग जानते हैं URL क्या होता है? आप जानते हैं? और कोई? मुझे एक ऐसा रफ नंबर चाहिए, फिर मैं बता दूंगा खुद ही कि URL क्या होता है। अच्छा, आप सब लोग कितने लोगों ने यहाँ पे फोन पे कभी भी कोई खबर पढ़ी है? आपने पढ़ी है? मतलब एक हेड काउंट दे दीजिए, कितने लोगों ने खबरें पढ़ी है फोन पे? कुछ लोगों ने तो पढ़ी है। अच्छा, अब जो सबसे ऊपर स्ट्रिप होती है, मैं घुमा के दिखा रहा हूं शब्द को, जो सबसे ऊपर स्ट्रिप होती है जहां पे वो किटपिट किटपिट वाली इंग्लिश लिखी होती है, वो होता है URL। जो सबसे ऊपर है, अगर आप ब्राउजर चला रहे हैं क्रोम का, फायरफॉक्स का, कोई भी, तो जो सबसे ऊपर होता है वो, तो मैं अभी फिलहाल अगले एक मिनट URL की बात करूंगा। अच्छा मैडम, आपका नाम क्या है? खुशबू अंसारी। खुशबू अंसारी। खुशबू, क्या आप कभी अपना नाम लिखने में गलती करती हैं? नहीं। आपका नाम क्या है? वो पिंक स्टोल, ज्योति। ज्योति, क्या आप कभी अपना नाम लिखने में गलती करती हैं? नहीं। इसका मतलब हम इस बात पे सहमत हैं कि हम सबको अपने नाम की सही स्पेलिंग पता होती है। वैसा ही URL होता है। कैसे? अभी जो मैंने पेज दिखाया था वो lallantop.com का URL था, तो अगर उसमें दी Lallantop लिखा है तो कभी उसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है? क्यों? क्योंकि हमको तो हमारे नाम की स्पेलिंग पता है। वैसे ही अलग अलग समाचार माध्यम, अखबार हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, अगर वो डिजिटल पे काम करते हैं, अगर वो ऑनलाइन खबरें देते हैं, वो कभी अपना नाम लिखने में, यानी अपना URL लिखने में गलती नहीं करेंगे। अगर आपको वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है तो पहला शक वहीं पैदा हो जाए कि ये गलत खबर हो सकती है, ये फेक न्यूज़ हो सकती है। अब हर बार ज़रूरी नहीं है, जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा है, जैसे मेरा नाम निखिल भाट है, तो हो सकता है मैंने NW से URL बनाया हो, लेकिन एक बार बनाया तो हमेशा मेरी खबरें NW से जाएंगी। कभी WN नहीं होगा, कभी PN नहीं होगा, कभी ZN नहीं होगा। URL हमेशा एक परमानेंट मार्कर होता है। अगर आपने एक बार ध्यान दे दिया और आपको दोबारा उसमें गलती दिखती है, तो एक तरीका वो पकड़ने का हुआ। ठीक है, अगली स्लाइड सर। इस तरह से ये एक तरीका है। सोर्स की जांच करें। स्कूल धंसने वाली बात किन्होंने बताई थी? आपने। आपको कैसे पता चला था? मेरे घर के पास ही है। अच्छा, आपने तो देखा था। कोई ऐसा है जिसने सुना है कि स्कूल धंसा? आपने सुना था, ठीक है। आपको कैसे पता चला था? पेपर में न्यूज़ आई थी, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसने सिर्फ सुना हो? आपने सिर्फ सुना था, जो आखिरी में है, अभी माइक वहाँ गया नहीं इसलिए मैं बता देता हूँ, इन्होंने सिर्फ सुना था। तो अभी मैं उन चीज़ों की, मैं अभी उस तरह की खबर की बात कर रहा हूँ जो इसी तरह से अनवेरीफाइड सोर्स हमारे पास आती है। इन्होंने अखबार में पढ़ा था, एक ने तो देखा था अपनी आँख से, तो सच है क्योंकि सबूत है, देखा है। दूसरा, आपने अखबार में पढ़ा है, अगर एक जिम्मेदार अखबार होगा तो उसने सही लिखा होगा। लेकिन अगर आपने सुना है या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या किसी से भी, कोशिश कीजिए कि आप उसके सोर्स की जानकारी निकालें। कैसे? अगर सुना है तो आप, एक आसान तरीका ये हुआ कि अगर सारनी की बात है तो फ़ोन करके देख लें भाई, किसी को, किसी का मोहल्ला पास में हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप फ़ोन कर पाएँ, तो उसके लिए फेक न्यूज़ पकड़ना और जो लोग फेक न्यूज़ बस्ट कर रहे हैं उनका काम फॉलो करना आपके लिए इस चीज़ को थोड़ा आसान बनाएगा। ये क्या होता है मैं आगे बताऊँगा। अगली स्लाइड सर। बेसिक मैं इसकी बात कर रहा था। कई बार आप में से कितने लोगों ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे वीडियोस देखे हैं जिसमें ऐसी कोई अनहोनी वाली घटना दिखती है? पुल गिर गया, ठीक है, भूकंप आ गया, आग लग गई, दंगा हो गया, ज्यादातर लोगों ने देखी है।
अब इन्हीं तरह के मैसेजेस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है पिक्चर से और ऑडियो से और वीडियो से. कैसे? किनका उधर झगड़ा किनका हुआ था? नाम क्या भूल गया सर? सुमित पवार. कब हुआ था सर? 6 months पहले. मान के चलिए सुमित के 6 महीने पहले कौन सा महीना आएगा? 6, 5 मई. मान के चलिए मई 2018 में सुमित के हुए झगड़े का एक वीडियो है, ठीक है, मारपीट चल रही है, ठीक है, बहुत मारा था क्या? ठीक ठाक मारा था. तो अगर वो वीडियो आज डाल दिया जाए तो देखने में तो वैसा ही लगेगा. स्वेटर मई में भी नहीं पहना था, हो सकता है सफ़ेद शर्ट भी उस दिन पहनी हो, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि सुमित का झगड़ा. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन मैसेजेस की, इन तस्वीरों की जांच करें. अगली स्लाइड पे चलते हैं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि एक असली घटना, जैसे वो स्कूल धंसने का वीडियो होगा, असली सच में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? पहले. अब झगड़ा तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कई बार इससे दंगे जैसी चीज़ें भड़क जाती हैं. कोई यात्रा जा रही है, किसी ने उठा के कुछ फेंक दिया, किसी ने नहीं देखा कि क्या गिरा था, किसी ने नहीं देखा कि किसने फेंका था, लेकिन लिख के आ गया सोशल मीडिया पे, मैसेजेस में, सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में, पर्सनल मैसेज में कि भाई वहाँ तो बवाल हो गया. अब बवाल की खबर हमेशा बवाल ही पैदा करेगी, इसलिए सोर्स वेरीफाई कीजिए, तारीख की जांच कीजिए. मई का झगड़ा मई में ही हो सकता है, नवंबर में नहीं हो सकता है दोबारा. टाइम पीछे वाली मशीन तो अभी बनी नहीं है, इसलिए डेट पता करने की कोशिश कीजिए. अगली स्लाइड सर चलते हैं, अन्य रिपोर्ट्स देखें. अच्छा, स्कूल धंसने वाली बात आपने कौन से पेपर में पढ़ी थी? आपने, मैं आ रहा हूँ उधर, उसमें इसमें बताइएगा. दैनिक भास्कर. अच्छा, कितने लोगों ने दैनिक भास्कर के अलावा स्कूल धंसने की खबर किसी और अखबार में पढ़ी थी? आपने किस में पढ़ी थी? पत्रिका में. पत्रिका में पढ़ी थी. इसका मतलब कोई भी बड़ी चीज़ अगर होगी तो वो एक से ज़्यादा जगह छपेगी, एक से ज़्यादा जगह आएगी, एक से ज़्यादा जगह दिखाई जाएगी. इसीलिए कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके दिमाग में शक पैदा करे, उसे एक से ज़्यादा सोर्सेस पे चेक कीजिए. हो सकता है कि दंगा हुआ हो, लेकिन अगर हुआ होगा तो वो एक से ज़्यादा जगह, उसके बारे में जानकारी होगी. सिर्फ एक जगह है तो कभी ऐसा सीक्रेट, ऐसा कान में तो किसी को बताते नहीं कि दंगा हुआ है, नहीं ना? पब्लिक होता है, एक से ज़्यादा जगह आता है. अलग अलग रिपोर्ट्स देखें. अगली स्लाइड पे चलते हैं सर. कितने लोग स्पूफ जानते हैं? स्पूफ, SPOOF. नहीं जानते, कोई बात नहीं. अच्छा, कितने लोगों ने टेलीविज़न पे न्यूज़ रिपोर्ट देखी है? न्यूज़ देखी है? अभी भी ऐसा लग, देखो मैंने नहीं खाया खाना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने नहीं खाया है. देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पूफ बनते हैं, पैरोडी बनती है, जैसे कॉमेडी सीन होता है वैसे ही, तो वो बिल्कुल वैसे ही सेटअप होगा जैसे न्यूज़ का होता है. वैसे ही आदमी बैठा होगा एकदम, जिसका चश्मा थोड़ा सही होगा, जिसकी हेयर स्टाइल थोड़ी सी ठीक होगी, जिसके पास थोड़ी सी ठीक ठाक चीज़ें होंगी, और वो न्यूज़ बता रहा है. अब देखने में अपने को लगेगा कि ये सच्ची न्यूज़ है, लेकिन कई बार वो मजाक की मंशा से की जाती है, वो स्पूफ कहलाता है. ठीक है, जैसे आपने कोई हिट फिल्म शोले देखी हुई है, आप नकली शोले देखी है किसी ने? नहीं. लेकिन ऐसे पैरोडीज़ बनती हैं, ठीक है, कॉमेडी सीन्स बनते हैं, तो वैसे ही न्यूज़ की पैरोडीज़ भी बनती है जिनको हम स्पूफ कहते हैं. तो अगर उसमें ऐसी कोई बात लिखी है कि स्कूल धस गया, हाँ, या ट्रक पलट गया, या झाड़ गिर गया, तो दिमाग इस पे भी चलाइए कि जो हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ये मजाक तो नहीं है. कई बार मजाक मजाक में सीरियस हो जाती है ना बात. हम तो किसी दोस्त को कुछ कह रहे होते हैं मजाक में, वो सीरियस हो जाता है कि यार भाई नहीं है तो समझ ही नहीं रहा है, होता है. वैसे इधर भी हो जाता है. अगली स्लाइड. तो वो स्पूफ के बारे में बता रहा था. ये सबसे खतरनाक होती है. कितने लोग जानते हैं कि फेक न्यूज़ प्लांट भी की जाती है? आप जानती हैं. और
आप भी जानते हैं। और उधर कोई पीछे जानता है कि फेक न्यूज़ प्लांट होती है? प्लांट होना क्या होता है? सारने वाला प्लांट नहीं, झाड़ वाला, ठीक है। कई बार झूठी खबरें जानबूझ के सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। जैसे सर आपका नाम फिर से भूल गए, सुमित पवार, ठीक है। कई बार जानबूझ के लिखा जाएगा कि सुमित पवार का झगड़ा हुआ था। क्यों? अब जो सुमित पवार के दोस्त है वो पहुंच जाएंगे और दुश्मन भी पहुंचेंगे। क्यों? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो लोग पीटने पहुंचेंगे, ये लोग पिटने पहुंचेंगे। इसी तरह से अब ये एक मजाक का उदाहरण है, लेकिन कई बार ये असल जिंदगी में हो जाता है, ठीक है। आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, आप लोगों ने अपने आसपास इस तरह की चीजें सुनी होंगी कि अफवाह है, किसी और मोहल्ले की बात हो रही है, जानबूझ के इस तरह की बात हो रही है, चार आदमी मर गए। यार मैं मरने की बात करूं, आप लोग हंस रहे हो। संवेदनशीलता कहां गई? अभी थोड़ी देर पहले तो बताई थी। हाँ, ये सही, आप मतलब सही है, ये बड़े स्केप्टिक नेचर की है और ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। बहुत आगे आप जाएंगी अगर आपको न्यूज़ में करियर बनाना है तो, सीरियसली। एनीवेज, मैं कहना चाह रहा था कि कई बार जानबूझ के इस तरह खबरें फैलाई जाती हैं कि दो लोगों के बीच में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा पैदा हो, वही होती है फेक न्यूज़ प्लांट करना। कौन लोग करते हैं उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और उसी को पहचानने में आपको URL और बाकी टूल्स काम आएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। ये थोड़ा सा आसान है, फेसबुक वाली चीज़ थोड़ी सी सुनने में टेक्निकल थी, व्हाट्सएप वाली थोड़ी आसान है, इसलिए भी आसान क्योंकि मुझे अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो मैं जल्दी से बताऊँगा। तो व्हाट्सएप की सर्वोत्तम प्रथाएँ, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर कैसे ब्लॉक किया जाता है, कैसे स्पैम किया जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग या तो नहीं जानते, चाहे एक व्यक्ति हो लेकिन उसका जानना भी ज़रूरी है, और इसलिए भी कि एक बार आप लोगों के दिमाग में ये बात रीइन्फोर्स हो और आप लोग जब लोगों से मिलें दूसरे लोगों को बताएं कि हमने आज ये सुना, ताकि उसके दिमाग में भी एक बार ये फेक न्यूज़ नहीं असली न्यूज़ प्लांट हो, ताकि उन, और यही इस वर्कशॉप का मकसद भी है, वरना मैं बोल के और आप लोग बोर होके चले जाएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। कितने लोग पकड़ लेते हैं इस बात को कि मैसेज फॉरवर्ड किया है या लिख के भेजा है? हाँ, आप फॉरवर्ड लिखा होता है, फॉरवर्ड लिखा होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। जो लोग नहीं जानते उनके सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो लोग जानते हैं वो लोग सुन लें एक बार, कोई नुकसान नहीं है। ये क्यों बताना ज़रूरी है? ज़्यादातर जो लोग फेक न्यूज़ प्लांट करने का और फैलाने का काम करते हैं वो इतने मेहनती तो होते नहीं हैं कि वो लिखें उसको बार बार। वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कॉपी करते हैं, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए अगर किसी चीज़ पे संशय है तो उसको पकड़ने का एक आसान तरीका है कि अगर वो फॉरवर्डेड है, एक मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि फॉरवर्ड हुआ हर मैसेज फेक हो, झूठ हो, सच भी हो सकता है। जैसे कई कुछ लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड से पता चला होगा कि आज क्लास है, लेकिन नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज वहाँ बोर करेगा कोई। अच्छी खबर भी हो सकती है लेकिन फॉरवर्डेड मालूम चलता है। अगली स्लाइड, ये बताया ना, अगली स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे, हाँ सही बात है, यहाँ पे कितने लोगों ने आज क्लास का टाइम चेंज हुआ है और 2:00 PM लगेगी, इस तरह का कोई मैसेज अपने दोस्तों को के साथ शेयर किया है? आपने किया मैडम कभी? यस सर। अच्छा, आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है उस पर? सही में ऐसा है क्या, फिर मतलब सामने वाला झूठ समझता है। अच्छा, एक काम की बात, ये अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने साथियों को ये बताना चाह रहे हैं कि आज आप इस तकलीफ़ से बचिए कि 2 PM आना है, 1 घंटा लेट, 1 घंटा और सो सकते हैं, काम की बात है। लेकिन उसको लेके आदमी बड़ा स्केप्टिक होता है, लेकिन अगर
अगर उसमें ये लिखा हो कि आज मैंने इन दोनों को बात करते हुए सुना कहीं कोट एंड कोट, तो कैसा रिस्पांस मिलता है? सर वो बता, हाँ उस बात को लोग ज्यादा सच मानते हैं जबकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। गॉसिप, गॉसिप का मतलब तो जानते हैं सब, गॉसिप या अनवेरीफाइड न्यूज, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि काम की बातें बोरिंग लगती है और जो गॉसिप होती है वो इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वहाँ चल रही है। थोड़ी देर पहले तक चल रही थी, अभी नहीं चल रही है। बेसिक आइडिया कि अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो इस चीज़ से बचें, काम की चीज़ भी फॉरवर्ड करें। अच्छा कितने लोग यहाँ पे, कितने लोग, अच्छा आप लोग का कोई ग्रुप है जिसमें टीचर्स की बुराई होती है? सच बताओ। हाँ आए, ऐसा ग्रुप है जिसमें टीचर्स की नकल होती है? अच्छा कितने लोग ऐसे हैं कि जो किसी ग्रुप में और इरिटेट होते हैं कि यार कितने मैसेज आते हैं? नहीं आप हैं, अच्छा मैं उधर, हाँ ये बात, ये बात द नेशन वॉन्ट्स टू नो, बताइए सर। इन लोग सब आप अगर माइक पास में ले लेंगे, नाम बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सर मेरा नाम मेघा साहू है। अच्छा क्या होता है आपके साथ, बताइए। सर इन लोग दिन भर बातें करेगी, फालतू की बातें करेगी, पूरे मैसेज जब भी मैं ऑनलाइन होंगी पूरे के पूरे 100-200 एक साथ आते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऑनेस्ट कन्फेशन दोस्तों के बारे में, ऐसी स्थिति में मेघना को क्या करना चाहिए? जानती होंगी फिर भी मेरा काम है एक बार और बताना जो लोग नहीं जानते। सर अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं उसके बारे में पहले बात। सर अगली स्लाइड। पहली चीज तो चाहे तो उस नंबर को आप ब्लॉक कीजिए, ठीक है। अगर वो कोई ग्रुप है तो उसको ग्रुप पे क्लिक करने पे ऐसा खुलता है सारे पार्टिसिपेंट्स, उसके नीचे एग्जिट ग्रुप लिख के आता है, एक ये तरीका है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो जानबूझ के ऐसा, हाँ झूठी बात फैल, अगर वो जानबूझ के झूठी बात फैला रहा है तो ये अथॉरिटीज को मालूम चलना चाहिए कि ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसका तरीका है रिपोर्ट स्पैम। रिपोर्ट स्पैम से क्या होता है? रिपोर्ट स्पैम से एकदम से किसी का अकाउंट बंद नहीं होता है, लेकिन व्हाट्सएप को ये बात मालूम चल जाती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा क्रिएटिव है, तो वो लोग उसको रिकॉर्ड पे रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे कार्रवाई भी करते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। ब्लॉक जानते ही हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। एक ये तरीका है मेघना के लिए, आप इनको म्यूट कर दीजिए, आप लोगों का जो ग्रुप है चाहे तो, अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस का डर ना हो तो। नतीजा अगली स्लाइड, एग्जिट ग्रुप, और आगे चलते हैं सर। ये पता है लोगों को, कितने लोग इस फीचर को जानते हैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन? आप जानते हैं, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं जानते इसलिए मैं सीधे बता देता हूं। अब आप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो अगर कोई भी ग्रुप से जुड़ रहा है या आपके ग्रुप को ऐड कर ले रहा है, ठीक है, या उसमें घुस जा रहा है किसी तरह से, आप किसी दोस्त को बोल के एडमिन को बोल के घुसा, तो उससे ये बताने के लिए कि ये ग्रुप किस मकसद से बना है, जैसे टीचर्स की बुराई, ठीक है, अब वो उस ग्रुप का मकसद है तो उसमें वही हो काम की बात। अगर ऐसा कोई ग्रुप आपने बनाया हो तो उस ग्रुप का मकसद फिर वही है, उस पर वही हो, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन से पता चलता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। एक तरीका ये भी है, कितने लोगों ने सेटिंग्स में ये चेंज किया है कि कितने लोग ग्रुप में क्या डालें? आप ये फीचर जानते थे? कुछ लोग जानते थे। कोई सवाल था सर? नहीं, तो आप सेटिंग्स में जाइए ग्रुप की और वहां पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, चूज हु कैन सेंड मैसेजेस टू दिस ग्रुप, यानी कितने लोग ऐसे होंगे जो इस ग्रुप पे कोई तस्वीर मैसेज या टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना, या ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। अगर ऑल पार्टिसिपेंट्स करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है, एडमिन्स करेंगे तो सिर्फ एडमिन आएंगे। तो एक तरीका आपके पास में ये है, मेघना नाम है आपका, हाँ, तो आप एक ग्रुप बनाओ उसके खुद एडमिन रहो, इन लोगों को एडमिन मत बनाना और आप ओनली एडमिन्स रखना,
तो होगा क्या कि आप बोल सकते हो, आप बता सकोगे इनको कि क्या हुआ आज, ये कभी नहीं लिख पाएंगे उस पर। ठीक है, अगला 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 अगली साइड पे चलते हैं, बहुत थक गए सब लोग। अगली साइड सर आई, सत्य परीक्षक। अच्छा, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो फेक न्यूज़ पर काम कर रहे हैं, फेक न्यूज़ पकड़ने पर, ठीक है। एक उसमें से लल्लनटॉप है जिसमें मैं काम करता हूँ। यहाँ पे वो दो फोल्डर थे, वो कहाँ गए? मेरे पास ही हैं। लल्लनटॉप अगर आप जाएंगे और आप वहाँ पे वायरल केंद्र खोलेंगे तो आपको एक टैग मिलेगा पड़ताल। पड़ताल में हम लोग यही करते हैं कि इस तरह के जो फेक मैसेजेस चलते हैं, फलानी मस्जिद के बाहर ये मिला, दंगा हो गया, हम उसकी सच्चाई पता करते हैं और उस पर खबर करते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम अकेले संस्थान नहीं हैं, हमारी तरह और भी कई सारे संस्थान हैं जो फेक न्यूज़ बस्ट करने का काम कर रहे हैं। आपको जो मुफीद लगे, जो ज़बान आप समझते हैं, अंग्रेज़ी समझते हैं तो अंग्रेज़ी में आप उन वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं, हिंदी समझते हैं तो आप हिंदी वाली वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। एक हमें हमारे अलावा भी और हैं, ठीक है। मैं एक एक एग्जांपल देता हूं यार, कितने लोगों ने ये फोटो देखी थी? किसी ने भी? मैं दिखाने आ रहा हूं। नहीं कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कितने लोग बोर हुए? कितने लोगों को घर जाना है? अरे घर तो जाना ही है सबको, उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो? गर्दन वाली यार ग्राफिक है थोड़ी। अच्छा, ये फोटो किसने देखी थी? देखने में क्या लगता है, नरेंद्र मोदी लगते हैं देखने में? नहीं, ये तस्वीर असली है। वो तो ऑब्वियस है, लेकिन अब लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अगर लोग लिख रहे हैं और ये बात बहुत सर्कुलेट होती है तो हम लोग या बाकी लोग भी जो इस पे काम करते हैं वो लोग इसकी सच्चाई पता करते हैं। हम लोग पड़ताल फोरम पे करते हैं, उन लोगों के अलग हैं। अब जैसे ये बात खूब कही जा रही थी कि मोदी के जो मझले भाई हैं वो ऑटो चलाते हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी के भाई हैं। नहीं है, इनका असली नाम शेख अयूब है, वो तेलंगाना के आदिलाबाद के बागल क्या बकला गुड्डा मोहल्ले में रहते हैं। तो ये आदमी असली है, ऑटो असली है, लेकिन इसके इनके साथ जो चीज़ लिखी है वो गलत है। आप चाहे पड़ताल पे देखें, चाहे आपको जो मुफीद प्लेटफॉर्म लगे देखें, ठीक है। आगे चलें सर, एक बार फिर से सर अगली सर। क्या हम समझ गए पहली चीज, सच झूठ और अफवाह का फर्क, दूसरों का नजरिया, आईना वाला, गुलदस्ता वाला, खरगोश वाला, अलग अलग लोगों की एक ही मैसेज को लेकर अलग राय हो सकती है, सारनी का शोर, ठीक है। एक बार सोचें कि आपका मैसेज पढ़ के दूसरा कैसा महसूस करेगा। अगर इतनी चीज़ों में से आपने थोड़ी भी दिमाग में रखी है तो यकीन मानिए दुनिया थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि हो सकता है सारनी में ना हुआ हो, लेकिन बहुत जगह फेक न्यूज़ के चलते मारपीट भी हुई है, ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है, लोगों की जान भी गई है। साउथ के आपने वो एग्जाम्पल सुने होंगे जहाँ पे बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही थी, बहुत क्या हो रहा था, लोग एड्रेस पूछने के लिए रुक रहे थे और भीड़ उन्हें पीट पीट कर मार दे रही थी ये कह के कि ये बच्चा चोर है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे ये पढ़ा था या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पढ़ा था कि बच्चा चोर घूम रहे हैं। तो ये जो हमें लगता रहा कि जेब में फ़ोन पड़ा रहता है, एक आध मैसेज भेज भी दिया बिना सोचे समझे तो क्या होगा, तो ये उस क्या होगा का जवाब है कि किसी की जान भी जा सकती है। गई जान वापस आती है क्या? नहीं आती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दूसरा मौका जैसी चीज़ नहीं है। तो किसी का इतना बड़ा नुकसान हो से बेहतर है कि हम अपनी आदतें थोड़ी सी सुधारें,
हम लोग जिस तरह से असल ज़िंदगी में लोगों से बात करते हैं, जैसे आप अभी बड़े तमीज़ से पेश आ रहे हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर भी आएँ। इतनी बात हमको फेसबुक की तरफ से और ललन टॉप की तरफ से आप सबसे शेयर करनी थी। ललन टॉप की चुनाव यात्रा अब आगे भी बढ़ने वाली है। हम आपके शहर में एक और प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, चाहे तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास शुक्रिया मौर्य सर का, जिन्होंने अलाउ किया हमें इस वर्कशॉप के लिए। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे झेला, क्योंकि मुझे नहीं, देखो हुआ होता क्या है, कई बार सही चीज़ भी हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों सुने। और फेयर इनफ, मैं भी ऐसे ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी जब बहुत बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होकर के गुजर जाती है, तो आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार क्या कि शायद मैंने ऐसा नहीं किया होता। कई बार हमारे साथ होता है, जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है उन लोगों के साथ ये होगा। एक चीज़ जो ऐसा होने से टाल सकती है वो है हमारा ऑनलाइन बिहेवियर सुधारना, और उसके लिए ये वर्कशॉप हमने की थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज के साथ मैं हूं निखिल सारनी से, शुक्रिया।